Kuligram is basically a project undertaken by Government of Gujarat to computerize its gram panchayats and to ensure that the services, e-services, reach gram panchayat. And in order to give a professional touch to services, because in the rural areas you don't get, you may not expect gram panchayats to be very well equipped. So we wanted to take a person from outside who would know the, who have basic knowledge of the computers. And we called him, we named him as Village Computer Entrepreneur. सर्विसेज में है यहाँ से अभी हम चालू किया UGVCL लाइट बिल कलेक्शन लाइट बिल जो गांव के लाइट बिल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी यही पे हम कलेक्ट करते हैं अच्छा तो उसकी सर्विस हम 12 आवर्स देते हैं 8 से रात को 8 बजे तक अच्छा पहले यहाँ पे था गांव में था तो सुबह 10:30 बजे चालू होता था 3 बजे बंद होता था अच्छा UGVCL के काम किया हमने पैन कार्ड सर्विसेज वो भी करीबन 1 वीक में चालू हो जाएगी ये जो जीसा है वो सारे इधर वाले तो बाकी सारे ऑफलाइन अच्छा उनको इंटरनेट और वो सब नहीं है मेरे बी की पीसी में सुबह के टाइम में 11 से लेके 1 बजे तक दिक्कत हर एक विलेज में कंप्यूटर चालू होता है वहाँ पर मेरा प्रॉब्लम है फिर मतलब फ्री होता है शाम को 4 बजे के बाद मेरे फ्री 4 से 6 के 8 के बीच में एकदम फ्री होता है पूरा ये सपोर्ट गवर्नमेंट से पूरा सिस्टम मैट पूरा सेटअप सरकार ने स्कैनर की फैसिलिटी दिया प्रिंटर दिया सिस्टम दिया सब दिया बस यहाँ का 60,000 ट्रांजेक्शन दिनों तो आप करीबन डेली 50 से 60 रुपये मेरा कम होगा प्योरली बेनिफिट है मेरी पर मंथ इनकम 18,000 गाँव में जाएंगे तो कम रहेगी एरिया के हिसाब से मुझे बेनिफिट UGVCL की सबसे बड़ी काफ़ी 12-15,000 UGVCL की इनकम 6,000 गाँव में सर्टिफिकेट 20,000 कमीशन 80% सी को मिलता है 20% विलेज में गाँव में कितने लोग हैं 3,600 और आपको दिन में कितने जन आते होंगे यहाँ पे 300 आदमी जैसा होता है तो हर रोज 8-10 आदमी मुलाकात लेते होंगे और जो आते हो फ्री में जो BPL है तो उसको हम फ्री देते हैं तो GB में 1 बिल पे 10 रुपये मिलता है अच्छा फिर वो रेवेन्यू रिकॉर्ड है तो इसमें 10 रुपये में से 5 रुपया गवर्नमेंट में जमा करना पड़ता है और 5 रुपया उसको मिलता है और फिर किसी को डेथ सर्टिफिकेट या जन पहली बार देते हैं तो फ्री में देते हैं बाद में देते हैं तो 10 रुपया लेते हैं एक से ज़्यादा चाहिए तो भी उसका पैसा लेते हैं तो अच्छे गांव में 5-6 हज़ार रुपया मिल जाता है विशेष सुबह 10-10:30 बजे से शाम को 6 बजे तक और 6 बजे के बाद उसको काम करना है आउटसोर्सिंग का तो कर सकते हैं लेकिन वो काम उसको ऑफिस आवर्स के बाद करना पड़ेगा तालुका पंचायत से एप्लीकेशन न्यूज़पेपर में दिया था हमने वहाँ फॉर्म फिलअप किया फॉर्म के बाद एग्ज़ाम किया ऑनलाइन एग्ज़ाम में हमने एंट्री लिया फॉर्म से एग्ज़ाम उस टाइम पोस्टिंग थी हमारी अच्छा तो तालुका पंचायत से पोस्टिंग है उन्होंने लेटर दिया था अच्छा तो आपको ये विलेज पंचायत दिया हुआ है आपको यहीं पे वर्क सर्टिफिकेट वहाँ से तालुका पंचायत से अभी क्या है अभी जो नए नए गांव डेवलप किया उसमें क्या सरपंच को अथॉरिटी दी है अच्छा सरपंच ही सिलेक्ट कर लेते हैं गाँव से अच्छा लड़का हो वो भी सिलेक्ट करके उसका बायोडाटा बना के तालुका पंचायत सबमिट कर देते हैं वैसे उसका सेंशन होता है अभी फिलहाल क्या प्रॉब्लम है गाँव में दूर गए तो गाँव में कोई अच्छा लड़का नहीं है कंप्यूटर वाला दूसरे गाँव का लड़का भी वहाँ पे जा सकते यहाँ पे हमारे ईग्राम में क्या टाइमिंग फिक्स नहीं है सर आपको इतना टाइम बैठना ही बिजनेस है सर जितनी दुकान खुली रखेंगे उतना बेनिफिट है मंथ में एक बार मीटिंग रहती है हमारी ब्लॉक में जैसे तालुका पंचायत में तब हम लोग सब बताते हैं कि हमने ये सर्विस चालू किया है फिर हम नीलकंठ सर को बताते हैं नीलकंठ सर भी सब जगह पे अप्रूव करवाते हैं ये चालू करो पर हमारे सीओ भी वो लोग का भी सपोर्ट ज़्यादा है वो भी जो बैंकिंग सर्विस वो लेके आए हैं अच्छा फिर पान कार्ड रेशन कार्ड सब वो तालुका में फिर ऑफिस से आती है ये सर्विस हमने चालू किया है उसकी हम
उनको ट्रेनिंग वहाँ पर देते हैं मंथ में एक बार दो चार दिन जिसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी जनरल इंश्योरेंस का भी चालू किया, जितनी भी सर्विसेज है यहाँ पे वो हमारे लिए, हमसे ज़्यादा उनको मालूम है कि कौन से सर्विस में कितना कमीशन मिलेगा और इसमें किसी को कितना प्रॉफिट होता है। बारकोड में क्या होता था कि ये सस्ता नंद दुकान वाले गोलमाल करते थे और बहुत फरियाद होती थी केरोसिन बाजार में दे देते हैं, ये सब होता था। तो फिर क्या बारकोड रेशन कार्ड ऑनलाइन कर दिया, यहाँ से स्लिप निकलेगी फिर उधर, तो वहीवट एकदम पारदर्शक हो गया, एकदम इसमें से भ्रष्टाचार दूर हो गया। यहाँ से निकलेगी कूपन तो ही मिलेगा, उसका रेकर्ड ऑनलाइन है, तो जितना निकली उतना ही माल, बाकी के माल वो रफे दफे नहीं कर सकते, इसलिए वहीवट पारदर्शक हो गया। और दूसरी बातों से कंप्यूटर से गांव के पूरा हुलिया ही बदल गया है, मानो अभी आप हतदम बता देते हैं, लाइन लगते हैं और सभी आते हैं और पूरे उसको संतोष है, कोई रैकेट में गोलमाल नहीं करता है, करके जो निकलता है उसमें से ही निकलता है, गोलमाल की बहुत कम हो गई। यहाँ तो कोई तलाटी बहुत अच्छे है लेकिन कोई तलाटी दारू पी के इसके नाम के बदले इसके नाम लिख दे, साइन कर दे तो क्या होता, इसमें ये नहीं हो सकता।